చర్యలేదని ప్రశ్నించారు. పార్లమెంట్ భద్రతా అంశంపై విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేశారు. విపక్ష ఎంపీలపై సస్పెన్షన్ను ఎత్తివేయాలన్నారు. आज मैं गांधी भवन का अथॉरिटी से पूछता हूं, मैनिफेस्टो का भी भेजे. हमने बोला है 100 दिन के अंदर हम करेंगे. जोर जल्द से उन्हें उसका सोच को बाहर निकाल रहे हैं, उसका फ्रस्ट्रेशन को. अभी केटीआर साहब आप पावर से उतर गए, जनता ने आपको बदले, हम सरकार में आए. ऐसा तो हम 50 बोलेंगे आपको. 3016 रूपये का बेरोजगार भत्ता कहाँ गए? 3 एकड़ का दलित का जमीन किधर गए? नौकरी किधर गए? किसान का कर्जा माफी किधर गए? डबल बेडरूम किधर गए? बहुत सारे हैं. तो ऐसा चीज हम आज सरकार में जाने के बाद आपको नहीं पूछ रहे, मगर हम सरकार में आके 14 दिन भी नहीं हुआ, तो थोड़ा होश में आओ. जनता ने आपको बदल दिया है, सबर करो, साल तो होने दो. एटलीस्ट आपका एमएलए जो आपने पिछली सभा में आपको पार्टी में लिए थे, हमारा एमएलए को सुधीर रेड्डी, वो बताया आपको 6 महीने तक सब खामोशी रखो. वो भी खामोशी नहीं रह सकते आप, सोचो. और कल जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के दिन वो परमिशन पूछ रहे हैं. क्या पुराना दिन याद नहीं है आपको? हम जब इरिगेशन रिडिजन के बारे में आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो हम भी विपक्ष ने पूछा है, मगर आपने अलो नहीं किया.